फिर आगे ओ भाई साहब कितने खतरनाक पहाड़ हैं ये, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। और नीचे ये प्यारा सा व्यू, यहाँ साइट भी है, मैं क्यों बोल सकते हो, आप ये रुक के आराम से आ सकते हो। आइसलैंड रिट्रीट पार्क फन एंड फूड। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए निशात बाग। तो सामने झील डल का नज़ारा, तो सब यहाँ के टिकट काउंटर है, एंट्री यहाँ से आगे से है। तो फिलहाल गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो फिलहाल टिकट काउंटर है, अडल्ट 24 रुपये और चाइल्ड 12 रुपये। तो यहाँ से एंट्री हमारी। सो फाइनली हम पहुंच गए निशात बाग। मेरे को 5 साल का। तो ये एंट्री, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे। चेक दिस आउट गाइस, टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, 6:56, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त व्यू है और माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तैयार किया हुआ लेकिन ज़बरदस्त है। तो फाइनली यहाँ होता है निशात बाग का एंड, साथ में स्विमिंग पूल है। मैं 2010 में आया था यहाँ पे, तब नहाए थे, तब पानी साफ था, अब पानी गंदा हो चुका है, बैंकर तक गंदा हो चुका है। यहाँ तक पहुँचे सांस भी फूल गई है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ विजिट करते हो बिना टेंशन के मज़े से। और हाँ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, कैंट दी रिपोर्ट है यहाँ तक। तो ये पूरा निशात बाग का व्यू, लास्ट में आ गया है डल लेक, इसके पूरा है, साथ में शालीमार बाग भी है, बाग की तरफ शालीमार बाग है, बस थोड़ा फ़र्क है। तो साथ में चश्मा शाही और परी महल भी, बिल्कुल डल गेट के किनारे किनारे पे ही है, साथ के साथ में ही है। चेक दिस आउट गाइस, ऊपर आसमान, नीचे निशात बाग और ये खूबसूरती। फाइनली गाइस यहाँ पे हम चाहे निशात पार्क में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू है, अच्छा है यहाँ पे, मतलब सुबह से लेकर अभी तक तो वसूली हुई है, सुबह सोनामर्ग था, फिर फिश पॉइंट था, मतलब उसको हम सीधे कह सकते हैं, लेकिन जो सोनामर्ग है उसको कंसिडर ना ही करो तो बेहतर रहेगा। और बाकी निशात बाग, शालीमार, तो चश्मा शाही और परी महल आप आराम से विजय कर सकते हो, बिना डाल लेक हाँ तो मजे से, तो यहाँ विजय कर सकते हो नज़ारे लेने के।
Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for us? Oh, baby, can you pray? It's every time you make in time. It's only to the end. So pray tonight. So you won't. दिस गाइस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह और कैसी लगी वीडियो मेरी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बग सब बिजी हैं फोटो शूट में, बट मैं बिज़ी हूँ व्लॉगिंग में और यूट्यूबर की लाइफ काफ़ी खतरनाक होती है। मैं तो अभी स्टॉर्मी बिगिनर हूँ, बट फिर मैं सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ कि एक यूट्यूबर की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी हो सकती है और अपनी सब चीज़ों को भूल के वो ऐसे अपने ही व्लॉगिंग में अपने ही कंटेंट में सब में बिजी होता है। एंड गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे और ऐसे मस्त मस्त ब्लॉग आते रहेंगे और इंशाल्लाह जल्दी हम ड्रोन भी लाएंगे और फिर ड्रोन से बड़ी बड़ी शर्ट भी उतारेंगे। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं बाहर रोड से, तो निकलते हैं शोपियान के लिए। यहाँ से निकलना है मुझे शोपियान के लिए, तो रास्ते में व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, ड्राइव भी करना है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो व्लॉग शूटिंग कर पाऊँगा। और जाने में किसी घर है तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल व्लॉग में यही कर रहा हूँ इस निशात बाग में, मस्त सी लोकेशन पर और मस्त आबो हवा में करने व्लॉग को। एंड तो मिलते हैं कल आपको एक नए और फ्रेश जिंदगी के एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।